नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया। अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना। सरकार ने देश की सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने वाले 8 YouTube समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराने के मामले में जम्मू में कई स्थानों पर छापेमारी की। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार अगले वर्ष से थर्मल कोयले के आयात पर रोक लगाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में सालाना 1.5% की छूट को मंजूरी दी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया में कार्यालय स्थापित करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। और भारत तथा जिम्बाब्वे के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला हरारे में जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। दूरसंचार विभाग ने देश में 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। एक रिपोर्ट। स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही टेलीकॉम उपकरण खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुकी हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां अगले महीने तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार को 7 दिन तक चली स्पेक्ट्रम नीलामी से 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 1 अगस्त को संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी, जिसके लिए 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूरसंचार सेवाओं के इस आधुनिक ढांचे के लिए एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 YouTube समाचार चैनल, एक फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सभी देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने में संलिप्त थे। ब्लॉक किए गए चैनल्स में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी समाचार चैनल शामिल है। लोकतंत्र टीवी, यूएनवी टीवी, एएम रजवी, सरकारी अपडेट और पाकिस्तान के न्यूज की दुनिया नाम के चैनल को बंद किया गया है। इन चैनल्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये सभी चैनल्स भारतीय सशस्त्र बलों तथा जम्मू कश्मीर के बारे में खराब खबरें चलाते थे। सरकार ने दिसंबर 2021 से लेकर अब तक 102 YouTube चैनल और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू संभाग में कई जगहों पर छापे मारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान संचालित ड्रोन विमान से हथियार और गोला बारूद गिराए जाने के बाद NIA के अधिकारी कठुआ, सांबा और डोडा जिलों में छापों की कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोप गांव के पास ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। NIA के अधिकारी ड्रोन से हथियार गिराए जाने के मामले में मुख्य अभियुक्त फैसल मुनीर के आवास पर भी गए। फैसल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन मामले में हाल के कुछ महीनों में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। छापों की कार्रवाई अब भी जारी है।
जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव अधिकारी हृदयेश कुमार ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे कर्मचारी, छात्र, मजदूर या गैर स्थानीय लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। श्री कुमार ने कहा है कि ये लोग मतदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो लोग जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे वे अब वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा सामान्य रूप से रह रहे नागरिक भी जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई निवासी जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में काम कर रहे हैं और प्रदेश के बाहर तैनात हैं उनके पास स्वयं को सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने का विकल्प है और वे डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कई लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। मेरा नाम सुनीता है। हम लोग 1971 के रिफ्यूजीज हैं जिनके पास वोट डालने का हक नहीं था। जो पहले का राज्य था उसमें 370 लागू था, उस वजह से हम यहाँ वोट नहीं कर पाते थे। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है उसकी वजह से हम वोट डाल पाएंगे और ये फैसला जो है ये बहुत सराहनीय है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ। मेरे जो दादा परदादा थे उनको राजा हरि सिंह ने यहाँ पे लाया था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 की वजह से जो है हम ना ही यहाँ पे वोट डाल सकते थे और ना ही यहाँ की नौकरियों में शामिल हो सकते थे। हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जो उन्होंने हमें यहाँ पे नागरिकता दी है जम्मू कश्मीर में, और हम यहाँ की जितनी भी अब नौकरियां हैं या फिर जो वोट डालने का अधिकार जो हमें नहीं था वो अब हमें मिल चुका है। और जो 1965 की जो लोग यहाँ पे रिफ्यूजी थे या 1971 के जो रिफ्यूजी थे उनको भी ये जो सारे अधिकार नहीं थे अब उनको भी ये अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार अगले वर्ष तक थर्मल कोयलों का आयात बंद कर देगी। भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल कार्यनीति पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय का इस वर्ष 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। कोल इंडिया लिमिटेड को 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। श्री जोशी ने कहा कि 2030 तक भारत की कोयले की जरूरत 1 अरब 50 करोड़ टन हो जाएगी। कोयला मंत्री ने कहा कि देश में कोयले के उत्पादन में 22% की वृद्धि हुई है और कोकिंग कोल यानी पत्थर के कोयले का उत्पादन 15% बढ़ा है। श्री जोशी ने कहा कि मिशन कोकिंग कोल के तहत उत्पादन में सुधार होगा और देश कोकिंग कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ेगा। कोयला क्षेत्र भी आज इंपोर्ट कम करके घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है। आज तक कमर्शियल माइनिंग में 43 खदानें की नीलामी हुई है। इस नीलामी से कोयले का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। इस्पात मंत्रालय ने इच्छुक कंपनियों को इसके लिए पहले पंजीकरण करने और फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर आवेदन करने को कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष जुलाई में विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6322 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष के लिए लाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सुनो ना। हाँ। सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। North East Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. North East Diary this week, that is 18th of August 2022, brings an exclusive interview with Tarundeep Rai, India's celebrated archer from Sikkim. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की फिर 50 पॉइंट्स की, तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रेवल टूरिज्म। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को भी स्वीकृति दी है। इससे होटल, पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में वृद्धि का निर्णय लिया गया है और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रेवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपये का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया। अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना। सरकार ने देश की सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने वाले 8 YouTube समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराने के मामले में जम्मू में कई स्थानों पर छापेमारी की। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार अगले वर्ष से थर्मल कोयले के आयात पर रोक लगाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में सालाना 1.5% की छूट को मंजूरी दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया में कार्यालय स्थापित करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला हरारे में जारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय में सचिव डॉ अजय कुमार और मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी मौजूद थे।
मलेशिया में कार्यालय खुलने से एचएएल को हल्के लड़ाकू विमान फाइटर लीडिंग ट्रेनर सहित SU-30 MKM लड़ाकू विमान तथा हॉक हेलीकॉप्टर को उन्नत बनाने में रॉयल मलेशिया वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। क्वालालंपुर में कार्यालय खुलने से एचएएल को न केवल मलेशिया में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उपकरणों के उत्पादन और सेवाओं का बाजार भी मिलेगा। एचएएल ने अक्टूबर 2021 में रॉयल मलेशिया वायुसेना को 18 फ्लीट हल्के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने का ठेका मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय को इस आशय का प्रस्ताव भेजा था। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री उचित तरीके से मास्क पहने और उन्हें सैनिटाइज किया जाए। निदेशालय ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। हवाई अड्डों, विमानों और यात्रियों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। निदेशालय ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 208 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 38 लाख 64 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 12,600 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई जबकि 16,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में समय 101,343 लोग कोविड से संक्रमित हैं और 4,36,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया से राजनीतिक बने मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई स्थानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली में अंसारी तथा उसके कथित सहयोगियों से जुड़ी परिसंपत्तियों की तलाशी ली जा रही है। 5 बार विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बांदा की जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय अंसारी से जुड़े कम से कम 49 आपराधिक मामलों में जांच कर रहा है। इनमें जमीन पर कब्जा करना, हत्या और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नैतिकता, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण देश के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। श्री गडकरी ने आज मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इस बस का निर्माण किया है। इसे स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 के नाम से जाना जाता है। यह बस नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक डिजाइन, आरामदायक और उच्च सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। श्री गडकरी ने प्रदूषण मुक्त भारत पर जोर देते हुए कहा कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। आकाशवाणी गुवाहाटी हर रविवार दिन में 11 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक कहानी स्वराज का ऑडियो संस्करण प्रसारित करेगा। गुवाहाटी में मीडिया के साथ बातचीत में पत्र सूचना कार्यालय गुवाहाटी के महानिदेशक बी नारायणन ने कहा कि दूरदर्शन असम 20 अगस्त से रात 9 बजे से 10 बजे तक असमी भाषा में इसका प्रसारण करेगा। इसका पुनर्प्रसारण मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को इसी समय किया जाएगा। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के मतवाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। देश की 1,30,00,000,000 से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश में पहले गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ झलकियां। चार
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे देश एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पारंपरिक रूप से एक विदेशी नेता होता है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने की थी। Two of them were awarded posthumously. Captain Ram Raghubarane was a proud recipient of the Paramveer Chakra, the highest award for gallantry. While the parade was in progress, more than 100 aircraft of the Indian Air Force zoomed past. Flying in formation, they dipped in salute to the accompaniment of cheers from the assembled crowd. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारत की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो सुनते रहिए आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक में भाग लिया। उन्होंने थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुद विनई के साथ बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। इसके अलावा राजनीति, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक और वाणिज्य, संपर्क, संस्कृति, पर्यटन और दोनों देशों के बीच जनसंपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चल रही तैयारियों का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने संबंधों को और मजबूत बनाने के संकल्प को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने प्रसार भारती और थाई लोक प्रसारण सेवा के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। विदेश मंत्री ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत फिलीपींस कार्यनीति से संबंधी चौथी वार्ता आज मनीला में हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार और फिलीपींस सरकार में अवर सचिव थरेसा लाजारो ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में कहा है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित आपसी सुरक्षा सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री जहाज से माल के आवागमन के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह के इस्तेमाल से संबंधित समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए शुरू किए गए चार परीक्षणों में एक परीक्षण का काम मंगलवार को पूरा हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जहाज में लदा माल श्रीमंतपुर सीमा शुल्क केंद्र पर पहुंचा, जिसे आगे असम में सिलचर ले जाया जाएगा।
त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट में शिपमेंट पहुंचने के साथ ही बांग्लादेश के रास्ते से कोलकाता और उत्तर पूर्व के बीच व्यापारिक सामग्री भेजने का ट्रायल रन पूरा हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने त्रिपुरा पहुंचने पर कार्गो प्राप्त किया। इसके पहले एक कंटेनर मेघालय में माल पहुंचाने के लिए तामाबिल लैंड पोर्ट पहुंचा था। शिपमेंट 8 अगस्त को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से मोंगला बंदरगाह पहुंचा था। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के उपयोग के बारे में हुए समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए यह ट्रायल रन आयोजित किया जा रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 26 ओवर में 6 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है प्रसिद्ध गीतकार और शायर गुलजार को। गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1936 को पंजाब सूबे में झेलम जिले के गांव कुरला में हुआ था। बंटवारे के बाद ये गांव पाकिस्तान में चला गया। फिल्म बंदिनी में एक गीत लिखने का मौका मिला। खास बात ये थी कि गुलजार के सबसे पहले गीत को ही लता मंगेशकर की आवाज मिली। बंदिनी से मिली कामयाबी के बाद गुलजार की लेखनी ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए आनंद, गुड्डी, बाबरची और नमक हराम तथा असित सेन के लिए दो दूनी चार, सफर और खामोशी फिल्में लिखी। जाने से पहले ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी वसीयत में अपनी सारी शायरी गुलजार के नाम कर गई। गुलजार ने शायरी का संपादन कर उसे एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम रखा मीना कुमारी की शायरी। गुलजार को 2002 में उनके लघु कथा संग्रह धुआं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के गीत के लिए ऑस्कर और ग्रैमी सम्मान मिले। 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 9 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। गुलजार ने हर फन और हर दौर में अपनी कलम का लोहा मनवाया है और उनकी कलम का ये जादू आज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया। अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना। सरकार ने देश की सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने वाले 8 यूट्यूब समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराने के मामले में जम्मू में कई स्थानों पर छापेमारी की। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार अगले वर्ष से थर्मल कोयले के आयात पर रोक लगाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में सालाना 1.5% की छूट को मंजूरी दी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया में कार्यालय स्थापित करेगा।
नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।